Today we have with us the handsome hunk Dhruv Bhandari, popularly known as Mantu from Tere Sheher Mein, who is celebrating his birthday with his mother. And hear it from his mom how Dhruv used to celebrate his birthday in childhood days. Hi everyone, आप शायद मुझे जानते होंगे, मेरा नाम है मंटू और आपने मुझे आज तक सेट पे देखा है, बनारसी गलियों में देखा है, लेकिन आज मैं ध्रुव के किरदार में आने वाला हूँ जो मैं एक्चुअली हूँ। हर साल जितने भी एक्टर्स होते हैं सबके बर्थडे होते हैं, हमारे भी सेट पे बहुत लोगों के बर्थडे सेलिब्रेट किए गए, लेकिन आज मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं। आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे टूडे विद द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन आई नो, माई मॉम। Her name is Sheila and we're going to have a little cake cutting ceremony right now. So, let's go. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मुझे लगा खाली सेट पे लोग, मेरे दोस्त लोग, बच्चे लोग मुंह खराब करते हैं। ये देखो, मैंने कहा मुंह खराब किया नहीं किया आपने? नहीं किया, बच गया मैं। मैं करने वाली थी, कोशिश की ना। नॉट मी। लो ये देखो, ये केक बहुत ही अच्छा है। मैं तो सोच रहा हूँ मैं इसका एक और बाइट लेने वाला हूँ, बिकॉज मुझे चॉकलेट्स और डिजर्ट्स एंड आइसक्रीम बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। वाह, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सब फैंस मेरे साथ हो मेरे बर्थडे के दिन, तो सबके लिए इतना बड़ा केक लेके आऊँ। अब ये मैं आपकी तरफ से एक और खा लेता हूँ भाई। ये बचपन से चॉकलेट फैन है, बहुत बड़ा मस्ती कर तो था, बहुत बहुत मस्ती, बदन प्यारा भी बहुत है, मस्ती उसको बस डांस करना, उछल कूद करना एंड बिठाना पड़ता था पढ़ाई के दौरान। आम बहुत पसंद है, खाने पीने का बड़ा शौक, चॉकलेट्स, आम। हाँ बस ऐसा ना, वैसे डांसिंग का बहुत शौक है, सारा दिन उसको सिर्फ बोलो उछल कूद करो और डांस करो, वेरी फन। और चबी इतना था, टीचर सारे उसके गाल खींचती थी। ये बोलने की क्या जरूरत है यार। बचपन में तो खैर घर पे ही पार्टीज होती थी और स्पेशल बर्थडेज बाहर के, ऊपर घर में खूब सारे दो, जब तक पूरा ड्राइंग रूम ना भरे, खूब सारे बलून्स, फेस्टून्स, केक्स एंड सारी रात बस मस्ती, सॉन्ग्स, डांस। इवन बचपन से ही हार्डली दो तीन साल का था एंड वी हैड अ पार्टी एंड दिस बॉय He could dance all night alone. सब बिल्डिंग वालों ने नीचे रखा था। I remember. He was so good at dancing कि they had kept a birthday party for him down. And सब लोग जमा हो गए थे and ये लड़का अकेला at the music 12 एक दो बजे तक डांस किया। वो birthday party नहीं थी, वो मेरे को डांस कराने के लिए सब किया था उन्होंने, चीटिंग की मेरे साथ, देखो। He was only 3 years old. 3 साल का था। No, but I remember हम लोग बचपन से my parents used to always organize birthday parties and मेरे घर पे मैं मतलब एक ऐसा टाइम हुआ था कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो ये सोचिए यार इतने लोग कहाँ से आ जाते थे। बट या एंड शी यूज़ टू बेक लाइक दिस बिग केक्स विद सम वेरियस डिज़ाइन एंड खूब सारा खाना होता था एंड केक, मतलब आई रिमेम्बर बाय द एंड ऑफ इट मुझे केक मिलता ही नहीं था, खाली शादी में खिलाते थे एक एक ऐसे चूरा चूरा एंड देन दैट्स इट। बट हाँ, बहुत पार्टीज होती थी एंड बाय द एंड ऑफ इट तो I was a huge Govinda fan back in the days. तो बस मैं तो भिड़ जाता था। So I used to enjoy and love those parties. We also asked the birthday boy about his birthday plans. I think it's going to be a little bit of a working birthday क्योंकि नया शो है. But I'm not too sure. I think I'm also considering taking an off. छुट्टी चाहिए एक दिन. तो शायद मैं छुट्टी लूँगा. And I want to really rest and I will meet my friends, I want to spend time with her, I want to spend time with my cousins and my friends and so many people. But I think thoda relaxed birthday rahega, shayad se main thodi to party karunga. So let's see,
एंड ऑब्वियसली देन लेटर प्लान्स तो बहुत सारे बनेंगे, जैसे अभी तो इतने फ्रेंड्स हैं, फिर अभी हमारे सेट के सब फ्रेंड्स हैं, सो लेट्स सी हमारे में हर ओकेजन पे सुबह सुबह मॉम गर्मा गर्म पुए बनाती हैं। हाउ आर दे मेड? सूजी के होते हैं, सूजी को यू नो उसके पकौड़े बनते हैं मीठे, जैसे हलवा बनाते हैं ऐसे ये मीठे पकौड़े होते हैं। एंड एवरी शुभ दिन, बर्थडे के दिन तो वो ज़रूर बनते हैं, सूजी केला मलाई यू नो घी वगैरह इलायची चीनी में सब मिला के उसके बाद गरम गरम भजिए बनते हैं, वो तो ज़रूर बनते हैं, पूजा ज़रूर होती है। मतलब आई रिमेम्बर मैं सुबह सुबह उठता हूँ एंड आई लाइक मम्मी यार जब गरम गरम पुए दो एंड वो ये मस्त तल तल के इतने क्रिस्प निकलते हैं एंड दे आर जस्ट दे मेल्ट इन योर माउथ, टू गुड। तो वो एक चीज़ तो होती है, बाकी पार्टी तो हर साल होती है। आई हैव अ लॉट ऑफ रेजोल्यूशंस दिस ईयर, सो आई थिंक आई एम गोना माय रेजोल्यूशन विल बी टू फुलफिल ऑल द रेजोल्यूशंस दैट आई हैव प्लान्ड, सो या नथिंग इन पर्टिकुलर बट जस्ट वांट टू वर्क हार्ड, आई वांट तेरे शहर में टू रॉक एंड yeah, I want everybody who is a part of my life to be happy. In aajkal to phone calls aane band ho gaye, ye I think 2-3 saal ho gaye, people don't call yaar, people are messaging you on WhatsApp or they are sending you a Facebook message. I don't understand that. But personal touch hai na wo, yeah, all I don't know, there are of course there are a handful of very 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 close people in my life, to wo to har saal hote hain and if you're listening is albi hona zarur, but yeah there are a few of my close friends who are always there from there with me. ye 12 baje raat ko ho jata hai dhang 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 yeah they come 12 o'clock at night surprise happy birthday, but aajkal to ye trend bhi ho gaya hai to bring in your birthday, to uske bahane sabhi log ho jate hain jinko nahi bhi hona tha wo bhi ho jate hain. I have been getting all your messages and your tweets and your trends and आज तक मुझे कभी इसी बात का एहसास नहीं हुआ था कि कोई countdown करता है birthday का, so it really really felt very 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 special. मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, so I was very excited. Thank you so much. With every message, every tweet, every wish, अगर आप मैसेज नहीं भी करते हैं बस अगर आप सोचते भी हैं मेरे बारे में एंड यू विश मी विद योर हार्ट, इट जस्ट मेक्स मी स्माइल मोर एंड मोर एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू, आई लव यू. We hope your birthday be full of pleasant surprises and India Forums wishes Dhruv a very happy birthday. Neha Sawant, cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, this is Hiba Nawab and you are watching me on India Forums and you can subscribe on WhatsApp TV.